चेक करो आवाज आ रही है भैया और शेयर करो फटाफट पट जिससे कि पढ़ाई चालू करें अपन गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा कैसे हो सभी समझ सारा कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स अनॅलिस्ट समझ मारिय अच्छे से लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैंने कौन सी रिमानिक क्वेश्चन निकाली थी कौन सी फॉर्म में कार्टिजन फॉर्म में डी यू अपॉन डी एक्स बराबर डी वी बाई डी वाई और दूसरी क्या थी डी यू अपॉन डी वाई माइनस बराबर माइनस का डी बी बाई डी एक्स ये था मैंने बताया था वो कार्टिजन फॉर्म में या नेसेसरी कंडीशन ही बोल सकते हैं एनालिटिक फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन का होने का नेसेसरी कंडीशन अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर कृष्ण को सेटिस्फाई करना ही होगा लेकिन सी आर सेटिस्फाई कर रही है तो एनालिटिक होना कोई जरूरी नहीं है नेसेसरी कंडीशन है नहीं बताई मैंने अभी है ना अगर सी आर ए क्रेशन नहीं कर रही है तो वहीं पे बोल सकते हो कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है विश्लेषिक नहीं होता है यदि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो आगे विश्लेषिक करने के लिए और कंडीशन लगाएंगे अपन और डेफिनेशन तो प्रॉपरली लगाएंगे डेफिनेशन तो चेक करना होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन कभी भी फेल नहीं होती क्योंकि डेफिनेशन हमेशा वेरीफाई होती है और ठीक है तो क्वेश्चन कराएंगे अब एक चीज लिखो नया नया जो हैडिंग है अब कौशी रीमान क्वेश्चन थी ना उसको पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं अपन पोलर फॉर्म में ध्रव्य रूप में लिखो पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म ऑफ कौशी रिमानी अरे मैंने बताया थी ना एक दिन फॉर्म कार्टिजन फॉर्म किसे कहते हैं जो एक्स वाई जेड मतलब यहां पे एक्स वाई है तो एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं और पोलर फॉर्म किसे कहते हैं जो आर और थीटा की फॉर्म में और पैरामेट्रिक फॉर्म किसे कहते हैं एक्स भी किसी वेरिएबल का फंक्शन हो और वाई भी उसी वेरिएबल का फंक्शन हो तो क्या बोलते हैं उसको पैरा बोलते हैं पैरामेट्रिक मतलब प्रैचालिक रूप एक्स भी थीटा का फंक्शन है मान लो कोई और वाई भी थीटा का फंक्शन है कोई जरूरी नहीं थीटा टी, 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 टी का भी हो सकता है कुछ भी फंक्शन होता है लेकिन सेम वेरिएबल होते हैं उसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म और आर और थीटा की फंक्शन होती है उसे बोलते हैं पोलर फॉर्म और एक्स वाई की फॉर्म को बोलते हैं एक्स वाई में जो फॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं कार्टिजन फॉर्म कार्टी रूप ठीक है अब क्या बोल रहे हैं अपन हिंदी मीडियम लिख लो कौशी रिमान समी का रूप समीकरण का रूप अच्छे से फिर लिखेंगे और फिर घर पे एक बार पढ़ेंगे दिमाग में सब जाएगी ठीक है अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं एक बार यहां पे इधर देख लो ये अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन रहा ये एक्स एक्सिस रहा ये वाई एक्स ये, X और ये y, X को आप रियल एक्सिस भी बोल सकते हो और यहाँ पेडिनेट वाई मैंने बताया ना हर कॉम्प्लेक्स नंबर के एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट होता है अरे वैसे बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर तो कार्टिजन प्रोडक्ट ऐसे तो लिखते हैं एक्स कॉ वाई और ये अपना ओरिजिन होता है इसको पीछे मिलाने पर इसको क्या बोलते हैं आर बोलते हैं मॉडुलस याद होता हूँ अरे मॉडुलस बोलते हैं ना याद है ना ये चीज और ये 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 क्या है अपनी ये वाली दूरी इसको बोलते हैं वाई और ये क्या होती है एक्स यहाँ तक कोई ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है इस प्रकार डिफाइन किया था अब मेरे को क्या करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करनी है कौशी इक्वेशन को कौशी इक्वेशन होती क्या है अपॉन कल लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था मैंने अरे क्वेश्चन कराएंगे अभी क्वेश्चन कराएंगे सारे बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा मैं को। जो कौशी संतुष्ट करती है लेकिन विश्लेषिक फलन नहीं है ये भी क्वेश्चन कराएंगे अरे यहाँ पे जो बोर्ड पे करा दिया ना पेपर में सौ परसेंट मिलेगा और किसी को बिलीव नहीं है तो इंस्टीट्यूट आके मिल लेना स्टाम्प पे लिख देंगे भैया जो करा दिया वो कंप्लीट मिलेगा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बस जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो डेली अपॉन डेल कौशी क्या होती है डेली अपॉन डेल एक्स बराबर डेलबी अपॉन डेल वाई कौ दूसरी क्या होती है डेली अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स ये सी आर एक्वेशन होती हैं। ये कौन सी फॉर्म होती है एक्स वाई आ रहा है ना यहाँ पे तो कौन सी फॉर्म है कौन सी फॉर्म है? है कार्टीजन फॉर्म R theta आएगा तो क्या बोल देंगे पोलर फॉर्म और एक फॉर्म जो आपके दो ही तक फॉर्म है दोनों पूछ, पूछ जाते हैं बोलता है बोले तो करना नहीं तो यही फॉर्म बतानी है हमेशा ये तो कल पढ़ा दिया मैं पोलर फॉर्म बता रहा हूँ आ और ठीटा में फिर क्वेश्चन करेंगे फिर सारे क्वेश्चन करेंगे एक बार कार्टिजन फॉर्म करेंगे और एक बार पोलर फॉर्म करेंगे समझ में आया कंप्लीट ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है लास्ट क्लासों में मैंने बहुत बोस, सी बार बताया है कॉम्प्लेक्स प्लेन अब देखो मेरे को को फॉर्म कन्वर्ट करना है आर और थीटा में तो आर और थीटा में कन्वर्ट करना है और ये एंगल होता है अपना थीटा ये आ, ये डिस्टेंस होती है आर polar, polar, पोलर पोलर में ये आर और ये थीटा समझ में आया कोई दिक्कत अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखने पर अब मेरे को बताओ त्रिभुज इसको ए नाम दे दो इसको एक्स एक्स पे ए नाम दे दे, देने पर अब देखो त्रिभुज ट्राइंगल ओ पी एम ए तो ट्राइंगल वो साइन थीटा बताओ मेरे को एक बार थीटा बराबर अरे कॉस क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है अरे बे बेस अपॉन हाइपोटोनिस आधार बटे कर्ण तो बेस क्या होता है डायरेक्ट लिख x अपॉन हाइपोटोनिस कितना है आर तो एक्स r कितना हो गया आर थीटा समीकरण नंबर एक समीकरण नंबर एक थीटा निकालो साइन थीटा वाई अपॉन आर बटे कर्ण तो वाई बराबर कितना हो गया आर थीटा आर साइन थीटा समीकरण नंबर दो और आर क्या हो गया त्रिभुज में देखो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का समीकरण नंबर तीन अरे कोई दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है और ये पढ़ा है थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ऑर्ग्यूमेंट समीकरण नंबर चार तेरे ये मैंने रिजल्ट कुछ रिजल्ट निकालूंगा यहाँ से जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज इसलिए लिखा ये चीज है और ये चीज पढ़ा चुके हैं ये निकालना सीखा है कौशीटा आधार बटे कर्ण होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है उसके बाद ये समीकरण नंबर तीन पाइथ में और ये आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है कौर्णाक का फॉर्मूल होता है उतारने पर उतारने पर गुड मॉर्निंग प्रदीप निधि अग्रवाल गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग जी सर आई आई टी जेम की क्लास कब रह रही है आई आई टी जेम की क्लास के बारे में किसी को पूछना है तो वो इंस्टीट्यूट वाले नंबर एट डबल जीरो फाइव सेवन टू सिक्स थ्री सिक्स एट इसके इस पर कॉल कर लेना आपको हम पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे अच्छी जगह सजेस्ट करेंगे एक बार कॉल करें इस पर जानकारी ले लेना ठीक है इस पर बात करनी और ही उतारो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी फटाफट उतारो फटाफट छापने पर मिटा दें चित्र को अब देखो मैं कुछ रिजल्ट्स निकाल रहा हूं जो काम आएंगे आपको अब देखो समीकरण नंबर तीन पे देखो फटाफट और समीकरण तीन का समी समीकरण नंबर तीन आर किस किस का फंक्शन है एक्स का भी फंक्शन है और बाई का भी फंक्शन है तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ अवकलन कर सकता हूँ समझ में आया अब देखो डेरिवेटिव थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स और दो वेरिएबल है तो कौन सा डेरिवेटिव होगा आंशिक अरे पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो डेल आर अब इसका देखो इसका डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं इसका आर का क्या हो आर स्क्वायर क्या होगा टू आर और फिर आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो और इसका क्या होगा टू एक्स और एक्स का एक्स के सापेक्स वन और वाई का तो जीरो हो जाएगा तो निकालने पर डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना आएगा टू से टू कैंसल तो एक्स अपॉन आर क्या आएगा एक्स अपॉन आर और एक्स की वैल्यू क्या है समीकरण एक से रख दो एक्स की वैल्यू क्या है क्यों क्या क्यों रख रहे हैं क्योंकि अपन को पोलर फॉर्म में चाहिए आर और थीटा में तो डेल डेल आर अपॉन डेल एक्स समीकरण एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा अपॉन आर आर से आर कैंसल बचेगा क्या कॉस थीटा तो मतलब क्या बच गया डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कितना बच गया कॉस थीटा समीकरण नंबर इसको क्या दे दो पांच दे दो समीकरण नंबर पांच ठीक है उसके बाद समीकरण नंबर तीन का किसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू वाई तो कितना हो जाएगा टू आर डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर टू वाई कोई दिक्कत है? तो कितना हो गया डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर साइन थीटा वो ही कैलकुलेशन ठीक है इसको समीकरण नंबर छतार लो फटाफट ये मैं मिटा रहा हूं इधर वाला और घर पे पढ़ो जब पेन कॉफी ले बैठा कर जिससे कि आप जिससे कि पढ़ते हैं जब लिख जो पढ़ते हैं वो लिखा करो साथ साथ में जिससे कि छप जाए दिमाग में क्योंकि बहुत समय आपके पास अब टाइम खराब नहीं होना चाहिए और बी एस सी थर्ड ईयर को भी अब कोर्ट एग्जाम ले सकती है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल आ चुके हैं आपको पता होगा अब देखो समीकरण नंबर चार देखो समीकरण नंबर चार समीकरण नंबर चार ये रहा थीटा भी किस किस का फंक्शन है एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी तो थीटा का भी मैं क्या कर सकता हूँ एक्स के सापेक्ष भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ और वाई के सापेक्ष भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ तो नाउ अब क्या करें नाउ अब डिफ्रेंशिएट फोर विद रेस्पेक्ट टू x x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कौन सा अवकलन होगा आंशिक अवकलन होगा पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्यों होगा क्योंकि जो थीटा है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव कौन सा होता है आंशिक अवकलन होता है फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं तो देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स का क्या होता है

माइनस का वाई प्लस का प्लस ये आएगा करने पर देखना क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई के स्थान पर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट कर दो और एक्स के स्थान पर आर साइन थीटा तो समीकरण नंबर तीन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर, तो पर आर स्क्वायर रख सकता हूँ यहाँ पे और माइनस माइनस तो बाहर ले और y के स्थान पर r साइन थीटा माइनस का r साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर से आर खत्म तो क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा अपॉन r क्या आ गया अपने पास ये अपने आप पास आ गया ये क्यों निकाल रहे हैं अपन अपन रिजल्ट निकालेंगे अपन अभी उनमें काम आएंगे ये जो रिजल्ट निकाले अब जो आगे जो पोलर फॉर्म निकालेंगे ना कौशी मान इक्वेशन उसमें काम आएंगे तो इसलिए निकालें तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन आर के बराबर माइनस का इसको समीकरण नंबर सात देने पर अब डेल टीटा पॉन डेल वाई निकालो वाई के सापेक्ष डेरिवेटिव करो बहुत सिंपल है ये मिटा और जो चीज निकाली है को बगल में लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो लिख रही है कॉफी में पर मैं मिटा दूंगा यू जाएंगी अभी तो इसलिए बगल में लिख रहा हूँ मैं तो डेल आर ये चीज आपको नहीं लिखनी है तो कितना रहा है। आ, तो आ रहा है अपना कोस थीटा और डेल आर अपॉन डेल वाई कितना आ रहा है साइन थीटा और डेल थीटा अपन डेल डेल टीटा अपॉन डेल एक्स कितना आ रहा है माइनस का साइन टीटा अपॉन आर अब डेल टीटा अपॉन डेल वाई भी निकालेंगे इसी प्रकार निकालो भैया उसको समीकरण नंबर आठ अरे डेरिवेटिव तो कर सकते हो ना लिखो डायरी डिफ्रेंशिएट फोर विद रेस्पेक्ट टू तो वाई तो क्या होगा डेल टीटा अपॉन डेल वाई बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया यहाँ से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर यही करना यही आएगा अरे यही आएगा एक्स की जगह आर कॉस्टीटा रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे आर स्क्वायर तो क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर अरे आती है सर ये थोरम से आती है किसी सी आर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में समझाइए पोलर फॉर्म में समझाइए सी आर इक्वेशन समझाइए सिद्ध कीजिए ध्रुवीय रूप में कॉची समीकरण को सिद्ध कीजिए तो ऐसे करना है अपन को इसको समीकरण नंबर आठ देने पर तो डेल टीटापन डेल भाई कितना आया कौश टीटा पतार तक उतारो फटाफट और समझ में आया कमेंट करो शेयर करो वीडियो को उतार लिया उतारो फटाफट मिटा हम इसको अब सीआर इक्वेशन क्या थी कार्ट रूप में जाओ डेल यू अपॉन डे एक्स बराबर डेल एल बी अपॉन डेल वाई यही थी ना तो डे यू अपॉन डे एल एक्स निकालू मैं अब ये रिजल्ट्स मैंने लिख दिए काम आएंगे आपको लिखनी ये आप सकता नहीं है मैं ठीक है जो मैं निकलवा दिया आपको ये मैंने मिटा दिए अब नाउ देखो नाउ करके अब और पढ़ा है टोटल संपूर्ण आंशिक पढ़ा है? टोटल पार्शियल डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या होती है बताओ नाउ डेली अपॉन डेल एक्स डेली अपॉन डेल एक्स और थोरम कल लग रही थी लास्ट क्लास में यू किसका फंक्शन होता है एक्स और वाई का किसका फंक्शन होता है एक्स और वाई का

आर का मैं एक्स के, के, के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ आर का एक्स समीकरण नंबर तीन पे जाओ आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और समीकरण नंबर चार थीटा का भी मैं के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ दोबारा देखेंगे एक बार कैसे फॉर्मूला जनरेट किया मैंने अरे तो टोटल तो पार्शियल डेरिवेटिव संपूर्ण आंशिक अवकलज फर्स्ट ईयर फॉर्मूले बनाना सीखे होंगे यू किस किस का फंक्शन है एक्स और वाई का यू का मेरे को एक्स के साथ करना है u का x के सापेक्ष में नहीं कर सकता क्योंकि पोलर फॉर्म बनानी है मेरे को r और थीटा u का मैं r के सापेक्ष कर सकता हूँ और u का थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और फिर समीकरण नंबर तीन पे जाओ u का तो मैं r के सापेक्ष कर सकता हूँ और u का थीटा के रेस्पेक्ट में और अब वहां पे जाओ समीकरण नंबर तीन में आर का किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और भाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं लेकिन अपन अभी एक्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आर का एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं और समीकरण नंबर चार पे जाओ भैया का भी एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं कोई दिक्कत यहां तक कोई डाउट ठीक है थीके? आप देखो डेल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू अब देखो डेल्यू अपॉन डेल आर डेल्यू अपॉन डेल आर अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है क्या अपने पास समीकरण नंबर पांच में देखो थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स डेल सीटापॉन डेल एक्स समीकरण नंबर सात में देखो कितनी है माइनस का साइन थीटा अपॉन आर लिख दो फ्रॉम पांच और सात से समीकरण सेवन है फिफ्थ एंड सेवन से पांच और सात से इसको और सिंप्लीफाई कर लो डेल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर कॉस्थीटा डेल्यू अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर और डेल्यू अपॉन डेल थीटा समीकरण नंबर कहाँ तक लिख दिए थे मैंने आठ तक इसको नौ दे दो भैया इसको नौ आप डेली अपॉन डेल्वाई निकालेंगे बता लो समीकरण नंबर नो उतार लिया यू अपॉन यू अपॉन वाई निकालेंगे तो यू का अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे वही आर और थीटा के और फिर आर का भी वाई के सापेक्ष कर सकते हैं और थीटा का भी वाई के सापेक्ष अब मैं यहीं पे लिख रहा हूं देखो समीकरण नंबर नौ तक लिख दिया समीकरण नंबर एंड डेल्यू अपॉन डेलवाई डेल्यू अपॉन वाई यू का किसके सापेक्ष कर सकते हैं आर के रेस्पेक्ट में और आर का आर का भी वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं समीकरण नंबर चार में देख सकते हो आप सॉरी समीकरण नंबर तीन में आर एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है ना तो वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं आर का और यू का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ थीटा का भी वाई के रेस्पेक्ट में थीटा वाई के रेस्पेक्ट में कौन सी इक्वेशन से समीकरण नंबर चार से और आर का वाई के रेस्पेक्ट में समीकरण नंबर तीन से देख सकते हो ठीक है अब वैल्यू है डेल आर अपॉन वाई क्या है वैल्यू रख दो यू अपॉन वाई बराबर क्या क्या है है अपना R, ये साइन थीटा तो साइन थीटा और यू अपॉन डेल आर यू अपॉन डेल आर और डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या है प्लस तो का थीटा अपॉन आर और यू अपॉन දල්ට සමීකණ නම්බර්ද සමීක නම්බ දස සමිකනම්බර්ද अब क्या करेंगे d का इसी प्रकार अब x के सापेक्ष करेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे डेली अपॉन डेलक्स निकाला है ना अपन ने डेली अपॉन डेल एक्स निकाल के बताया मैंने समीकरण नंबर नौ ऐसे ही समीकरण नंबर दस निकाला है डेली अपॉन डेल वाई निकाला है फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे अब और फिर डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण नंबर दस को क्योंकि काम आएंगे डेरिव अपॉन डेल भाई आपको नहीं लिखना बस समीकरण नंबर 10 तक लिखना है और फिर लगाओ नाउ अब लिखो नाउ और फॉर्मूला बताओ मेरे को डेल भी अपॉन डेल एक्स बराबर कैसे लिखेंगे समीकरण नंबर 10 आपको यहीं तक उतारना है और मैंने अब मिटाया भैया अब क्या निकालेंगे अब क्या निकालेंगे डेल बी अपॉन डेल एक्स नाउ डेल बी अपॉन डेल एक्स अब बी का किस किस के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं आर और थीटा, बी का, v ka, theta का किसके रेस्पेक्ट में, में, में कर सकता हूँ आर के रेस्पेक्ट में और प्लस का बी का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और आर का मैं किसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में और आर का मैं और थीटा का भी किसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ अरे आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और ठीटा का भी एक्स के रेस्पेक्ट में समीकरण नंबर तीन और चार में देख सकते हो डेल अपॉन डेल एक्स अब डेल बी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है अरे डेल आर कॉस थीटा तो कॉस थीटा डेल आर डेल अपेल अपॉन डेल आर और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स देखो माइनस का साइन थीटा अपॉन आर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल थीटा और कोई दिक्कत यहाँ तक समीकरण नंबर ग्यारह समीकरण नंबर ग्यारह इसी प्रकार क्या निकालेंगे अब एंड डेल बी अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल वाई का फॉर्मूला बता दो डेल आर समझ में आ रहा होगा ka, Theta, और y, सारी वैल्यू है अपने पास सारी वैल्यू है Del, Del की और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख दो तो क्या आ रही है डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू साइन थी साइन थीटा, साँग थीटा डेल अपॉन डेल आर प्लस और ये कॉस्टा अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा समीकरण नंबर बारह ये क्या आ गई डेल बी अपॉन डेल वाई ये क्या आया डेल बी अपॉन डेल वाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कुछ नहीं किया वैल्यू पुट किए पार्शियल टो, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन लगाइए उतार लिया अब बताओ मेरे कार्टिजन फॉर्म में सी आर एक्शन क्या होती है कार्टिजन फॉर्म में सी आर डेल बी अपॉन डेल एक्स बराबर कार्टिजन फॉर्म में डेली अपॉन डेल एक्स बराबर बी अपॉन डेल वाई ये होती है ना डेली अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ पे अपने पास समीकरण नंबर नौ में और डेलबी अपॉन डेल वाई की वैल्यू कहाँ है समीकरण नंबर बारह में समीकरण नौ और बारह से उसके बाद ये उतार लो फिर मैं लिखाता हूं आता है इंपॉर्टेंट लगा लेना ले स्टाल लगा लेना ऊपर ऐसे आता है दुर्व्य रूप में कौशी रिमान समीकरण को समझाइए उतारो फटाफट नाउ अब क्या होता है डेल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल बी अपॉन डेल वाई यही होता है ना सी आर की पहली पहली टर्म यही होती है ना उसके बाद डेल्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कहाँ है समीकरण नंबर नौ और डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू समीकरण नंबर बारह वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर नौ में क्या है कॉस्थीटा डेल्यू अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा अपॉन आर डेल्यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई क्या है साइन थीटा डेल्यू अपॉन डेल आर प्लस का काटा अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल टीटा कोई दिक्कत यहां तक कोई डाउट इसको समीकरण नंबर तेरह अरे कुछ नहीं किया समीकरण नौ और बारह से वैल्यू रखी है समीकरण नंबर तेरा दे दिया इसको अब तो 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 लिखो दूसरी और दूसरी ट्रम क्या होती है सीआर इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स ये मिटा दो समीकरण नंबर ग्यारह मिटा दी एंड तथा क्या होती है डेल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स अब देख लो पे कौन सी में अपॉन डेल वाई समीकरण नंबर दस और समीकरण नंबर ग्यारह जो मैंने अभी मिटा दी है समीकरण नंबर दस पहले समीकरण नंबर दस लिखो समीकरण नंबर दस क्या है साइन थीटा डेल्यू अपॉन डेल आर प्लस थीटा अपॉन आर डेल्यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू तो माइनस का डेलवी अपॉन अरे माइनस का डे क्या था माइनस का कॉस कॉस्थीटा डेल्यू अपॉन डेल आर डेल बी अपॉन डेल आर यही था ना प्लस का प्लस का साइन थीटा अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, उतार वही समीकरण नंबर चौदह मिटा दो ये अरे कुछ भी नहीं किया मैंने ची आर इक्वेशन कल पढ़ा दिए उनको दोनों वैल्यू निकाल के बराबर किए वैल्यू रखा है अभी तो अब सिंपलीफाई करेंगे बस अब दो इक्वेशन है दो वेरिएबल हैं, अब बताओ दो इक्वेशन से मान कैसे निकालेंगे दो इक्वेशन से वैल्यू कैसे निकालनी है बता प्रदीप मैया बता कमेंट पढ़ रहा हूं मैं एक मिनट का समय कैसे निकालेंगे आपको भी तो पता होनी चाहिए बताओ फटाफट कमेंट करो जिसको समझ में आ रही है इससे आगे अपन कैसे करेंगे सॉल्व हाँ नरेंद्र तू भी बता सकता है याद है कि तेरे को अभी नाउ समीकरण तेरे में थीटा का गुणा कर दिया समीकरण तेरे में थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस और समीकरण 14 में समीकरण 14 में अब मेरे को क्या चाहिए डेल्यू अपॉन डेली ओपन बताओ मेरे को क्या क्या कैंसिल करना है समीकरण तेरह तेरह में कॉस्थीटा और समीकरण चौदह में मैं साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो यहाँ पे साइन थीटा आएगा इधर देखो यहाँ पे साइन थीटा आएगा साइन थीटा थीटा पॉन आर और यहाँ पे माइनस का थीटा कर रहे हैं इसमें समीकरण तेरह में तो माइनस का थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे तो समीकरण तेरह में थीटा का और समीकरण चौदह में मैंने साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो देखो मैं करना नहीं बता रहा यहाँ पे दोबारा वही स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को यहाँ पे मैं थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन थीटा का तो क्या बचेगा माइनस का साइन थीटा को साइन थीटा थीटा अपॉन आर डेली अपॉन डेल थीटा यहाँ पे प्लस का साइन थीटा थीटा अपॉन आर डेली अपॉन डेल थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये प्लस की है और ये माइनस की और मल्टीप्लाई करना दोनों में समीकरण ते में तेरह में कॉस थीटा का और समीकरण चौदह में साइन थीटा का दोनों को ऐड करना कैंसिल हो जाएंगी सेकंड सेकंड टर्म अब देखो यहाँ पे तो क्या बचा ये बचा कोश स्क्वायर थीटा बन गया है और डेल्यू अपॉन डेल आर और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा और ये बन गया डेली अपॉन डेल आर कोई दिक्कत इधर देख लो यहाँ पे यहाँ पे थीटा तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे यहाँ पे साइन थीटा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो अरे ये भी कैंसिल हो जाएगी क्या और ये बी ये बी है अरे बी है और ये बी है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी कोई दिक्कत अरे ये कैंसिल होने पर बचा क्या आपने पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर और ये डेल अपॉन डेल थीटा प्लस का और इसमें समीकरण चौदह में साइन टीटा का साइन थीटा अब देखो क्या रहा है इसमें क्या आ रहा है यू अपॉन डेल आर तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर so, yeah, थीटा और डेलो अपॉन डेल आर कॉमन निकाल लिया इसमें क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा बच्चा क्या वन अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल ठीटा कोई दिक्कत यहां तक कोई डाउट अरे उसमें बी था समीकरण नंबर जाके देख सकते हो नौ और नौ और बारह में समीकरण नंबर अपॉन एक्स वाली टर्म और बी अपॉन जब जब बी अब ये देखो जब आ रहा है तो बी आएगा ना यहाँ पे भी तो बी बी था उसमें ठीक है तो फिर उसके बाद समीकरण तेरह में थीटा का मल्टीप्लाई और समीकरण चौदह में साइन टीटा का मल्टीप्लाई करके दोनों क्या कर दिया ऐड कर दिया और ऐड करने पर सिंपलीफाई किया इसकी वैल्यू क्या है कॉश स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन तो वन इन टू डेली अपॉन डेल आर डेली अपॉन डेल आर ही बचेगा डेल्यू अपॉन डेल आर यहाँ पे लिख रहा हूं डेल्यू अपॉन डेल आर यहाँ पे भी आ जाएगा कौश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या बचेगा वन अपॉन आर डेल बी अपॉन थीटा, एक, एक इसको दे देना। और फिर नाव अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे बताओ मेरे को अब मैंने निकाली डेली ओपन डेल आर अब उल्टा अब बताओ क्या करेंगे फटाफट बताओ कमेंट करके नरेंद्र और उतारो फटाफट अब क्या करेंगे अब उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई चौदह में कोस थीटा कर देंगे और तेरह में साइन थीटा का और माइनस कर देंगे उतार लिया समीकरण नंबर पंद्रह दे दो समीकरण नंबर पंद्रह अब लिखो नाओ अब समीकरण अब ऐसे लिख दो समीकरण तेरह में तो ऐसे ही लिख दो समीकरण तेरह में साइन थीटा का मल्टीप्लाई समीकरण चौदह में कोश थीटा का और दोनों पे क्या कर दिया नेगेटिव लगा दिया और कैलकुलेशन करो क्या आ रहा है बताओ ये मैं मिटा रहा हूं एक मिनट एक बार और बता दें कॉस्टिटा डेल्यू अपॉन डेल आर ठीक है यहाँ पे बता रहा हूँ समीकरण तेरह में तो क्या क्या कर दिया मैंने साइन थीटा का मल्टीप्लाई और समीकरण नंबर चौदह में थीटा का मल्टीप्लाई और दोनों के बीच में नेगेटिव अब देखो समीकरण तेरह जाओ समीकरण नंबर तेरह में उसमें क्या करो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो तो साइन देखो साइन ये साइन कॉस हो जाएंगे और यहाँ पे यहाँ पे कॉस करेंगे तो यहाँ पे भी साइन कॉस बीच में नेगेटिव आएगा तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी अरे कैलकुलेशन कर सकते हो कर सकते हैं न कैलकुलेसन है। और देखो क्या रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट निकले पर क्या आ रहा है डेल्यू अपॉन डेल टीटा बराबर माइनस का आर डी बी अपॉन डी आर डेल्यू अपॉन डेल टीटा बराबर माइनस का आर डेल्यू अपॉन कैलकुलेशन करना घर बैठ के कोई दिक्कत नहीं है माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर ये ये वैल्यू आएगी ठीक है समीकरण नंबर सोलह अरे एक मैंने प्रॉपरली सॉल्व करके बता दी तो ऐसे ही करना है उसको और ये भी बता दी तेरह में तो किसका मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा का और समीकरण चौदह में कॉस थीटा का और दोनों के बीच में सब्ट्रेक्शन माइनस करना है और जो वैल्यू आएगी डेली अपॉन डेल थीटा बराबर माइनस का आर और क्या आएगी डेल अपॉन डेल आर ये वैल्यू आएगी और फिर लिखना है समीकरण पंद्रह और सोलह लिखो समीकरण पंद्रह व सोलह ध्रुवीय रूप में कौशी रीमान समीकरण कहलाती हैं इक्वेशन पंद्रह व सोलह पोलर फॉर्म में क्या कहलाती हैं कौशी रीमान समीकरण कहलाती है कौशी रीमान इक्वेशन कहलाती है कोई दिक्कत कोई डाउट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ रिजल्ट्स निकाले कौश थीटा निकाला साइन थीटा निकाला आर स्क्वायर और थीटा आप जानते ही हो ठीक है उसके बाद कुछ रिजल्ट्स निकाले डेल आर अपन एक्स डेल आर अपन डेल वाई फिर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं और डेल डेल टीटा अपॉन डेल एक्स निकाला डेल टीटा अपन डेल वाई उसके बाद यू अपॉन डेल एक्स निकाला यू अपॉन डेल वाई निकाला फिर डेल वी अपन डेल एक्स निकाला और डेल वी अपन डेल वाई निकाला उसके बाद अपनी सी आर ए लास्ट क्लास में पढ़ाई थी जिसने नहीं पढ़ी है लास्ट जो लास्ट क्लास का लेक्चर है लेक्चर नंबर सेवन प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है जाके देख सकते हैं और कोई नया स्टूडेंट है वो भी जाके देख सकता है वन बाई वन क्लास ठीक है तो वहाँ पे सी आर कृष्ण कल पढ़ाई थी क्या होती है पहली पहली जो टर्म होती है यू अपॉन डेल एक्स बराबर वाई ये थी ना उसको क्या किया मैंने उनकी वैल्यू रख दी जहाँ पे समीकरण नंबर नौ और बारह से उसके बाद समीकरण नंबर तेरह दे दिया उसको लिख के उसके बाद दूसरी टर्म थी डेल्यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स फिर उसके बाद वो वैल्यू रख दी कहां से समीकरण नंबर जो भी दस और ग्यारह आ रही है समथिंग जो भी आ रही है वो दस और ग्यारह से वैल्यू रख दी और समीकरण उसको समीकरण नंबर चौदह दे दिया समीकरण में थीटा का मल्टीप्लाई समीकरण चौदह में साइन थीटा का दोनों का एक बार ऐड कर दिया तो डेली अपॉन डेल थीटा खत्म हो गया एक बार फिर डेली अपॉन डेल आर की वैल्यू आ गई फिर साहब डेली अपॉन डेल थीटा की वैल्यू निकाल ली उसमें उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा और कौश और फिर सब्ट्रेक्शन कर दिया फिर ये वैल्यू आ गई और फिर समीकरण नंबर इसको पंद्रह दे दिया इसको सोलह ठीक है तो उसके बाद क्या बोल देंगे इनको क्या बोल देंगे कौशी रिमान समीकरण कहलाती है किस फॉर्म में कहलाती है आर ओ ठीठा रहा है तो कौन सी फॉर्म बोलेंगे पोलर फॉर्म बोलेंगे ध्रुवीय रूप अगर एक्स और वाई आता तो कौन सी फॉर्म बोलते अपन कार्टिजन फॉर्म बोलते है समझ में आया अगर ध्रुवीय रूप नहीं बोला है तो अपन को कौन सी करनी है सिर्फ कार्टे रूप ही करना है समझ में आया कंप्लीट कोई डाउट और देखो डाउट जब ही आएंगे जब घर पे पढ़ेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो डाउट कहाँ से आएंगे तो क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का कोई पता नहीं है अभी केसेज भी बढ़ने लग गए हैं अब आज का अखबार पढ़ना भरतपुर जयपुर में और जोधपुर में तो बहुत केस मिले हैं तो ऑनलाइन क्लासेज से ही पढ़ना पड़ेगा और जब तक ऑनलाइन चल रही है ऑनलाइन तो बेटर क्लासेज हैं कोई टेंशन ही नहीं है कोई डाउट होता तो कमेंट्स लाइव क्लासेज में रिकॉर्डेड भी डाल सकता था लेकिन सिर्फ आपके लिए कि आप कमेंट करें मैं जवाब दे सकूं और मैं पढ़ता हूं कमेंटों को ठीक है तो लाइव लाइव चैट का ऑप्शन इसलिए दिया है नहीं मैं रिकॉर्ड क्लासेज भी डाल सकता था आराम से देखो रिकॉर्ड तो रहेंगी कोई नहीं देख सकता है कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ तो रिकॉर्ड देख सकता है लेकिन जितनी भी कोशिश हो आपकी लाइव क्लासेज की होनी चाहिए कोशिश तो लाइव क्लासेज जिससे कि आप मेरे से बात कर सकते हो बात तो बाद में भी कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट के नंबर हैं एट डबल जीरो फाइव सेवन टू सिक्स थ्री सिक्स एट इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं कोई भी डाउट पूछ सकते हैं मैथ का ठीक है सबका आंसर मिलेगा बस आपको धैर्य धारण करना है और क्लासेज रेगुलर ज्वाइन करनी है और जितनी भी प्ले में पीछे की वीडियो किसी ने नहीं देखी है जाके देख सकते हैं प्रॉपरली नोट्स बनाओ और स्टूडेंट शेयर करो ग्रुप्स में शेयर करो जिससे कि और से अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके अपन से, से मज़ा आए पढ़ाने में और जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो फीस जमा करा देना क्योंकि एक दो दिन क्लास लगेगी उसके बाद ऐप पे चलाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ठीक है और मेरे जो जो किस्म पर फीस जमा करानी है उस पर इंस्टीट्यूट वाले नंबर पर फोन कर लेना मैं आपको फीस की जो किस्म अकाउंट की डिटेल वगैरह सब बता देंगे ठीक है तो वो टेंशन मत लो पढ़ो आराम से शेयर करो वीडियो को जय हिंद जय भारत राधे 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 भैया ठीक है कल मिलते हैं जय श्री कृष्णा